सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल मोनिका व्लॉग। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने आपको जैसे पिछले व्लॉग में दिखाया था कि हम लोग यहाँ पर आए हैं हरिद्वार। तो हरिद्वार में यहाँ पर हम लोग ने गंगा स्नान कर लिया है और हम सभी हो गए हैं रेडी चलने के लिए। तो यहाँ पर अब देखिए, मैं आपको पूरा ओवरव्यू दिखाती हूँ। ये देखिए हरिद्वार का, तो बहुत ही सुकून मिलता है ऐसी जगह आने पर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा रश है आप जैसे देख रहे हो। तो यहाँ पर हमारा सारा हो चुका है गंगा स्नान, तो अब हम शाम को मिलते हैं। तो यहाँ पर हो रही गंगा आरती, तो जैसा आप देख रहे हो, तो ये देखिए बड़े ध्यान पूर्वक सुने, ये आपके ठीक सामने महारानी गंगा जी का 101 किलो चांदी का सिंहासन विराजमान है। ये सामने गंगा जी का दरबार है, अब आपके सामने ये महारानी गंगा जी का पूजन है। वो ठीक 7 बजे 1011 मुक्ति बनवा रहा, ये गंगा जी की होगी और ये गंगा जी की आरती कोई सरकार कोई नगर निगम। ये वैशाख मास का महीना है, वैशाख महात्म है, इस दिन के अंदर कोई दान दाता कोई धन कोई नहीं। यहाँ पर गंगा आरती ख़त्म होने के बाद हम आ गए हैं वापस रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से अब हम दिल्ली के लिए वापस हम जाएंगे। तो हमारी रात की ट्रेन है 11 बजे की। तो ये देखिए ओवरव्यू पूरा हरिद्वार रेलवे स्टेशन का। तो यहाँ पर हमेशा ही ऐसी चहल पहल बनी होती है, आने वाले लोग जाते हैं गंगा स्नान के लिए और जो गंगा स्नान कर चुके होते हैं वो वापस जाते हैं। तो ये देखिए हरिद्वार का स्टेशन बहुत अच्छा स्टेशन बना हुआ है। तो चलते हैं अब हम अंदर, क्योंकि हमारी गाड़ी का हो रहा है टाइम। तो यहाँ पर हमने गाड़ी का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सभी बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा हमारे पीछे देखिए कितना ज़्यादा रश हो रहा है। तो चलते हैं और हमारी ट्रेन का आने का समय हो गया है और मिलती हूँ मैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।